हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्ट्स इन्फो मेरा नाम डीता चौधरी आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें स्वस्थ रहें अच्छे रहें मस्त रहें आज का वीडियो पीडी डायलिसिस में जो कैथेटर यूज़ होता है मीन्स पैरिटोनियन डायलिसिस में जो कैथेटर यूज होता है उसके बारे में आप सभी लोग कैथेटर के बारे में जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं और जो जानते भी होंगे उनको उसका पर्टिकुलर नेम नहीं पता है वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी ठीक है उससे पहले पी डी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊँगी इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो स्टूडेंट और पेशेंट फ्रेंडली होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी स्टूडेंट्स को भी और पेशेंट को भी अपने बारे में जानना ज़रूरी है तो पीड़ किसी भी डायलिसिस कोई भी जब डॉक्टर होता है नेफ्रोलॉजिस्ट जब किसी भी पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस पर पे लेकर जाता है उससे पहले वो बताता है कि आपको जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस करेंगे और जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो कुछ चीज़ों की नीड होगी वो उसको वो एडवाइस करेगा तो वो क्या क्या एडवाइस करता है एक्सेस कैथेटर मीन्स पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए पेशेंट को एक्सेस कैथेटर के बारे में बताएगा जो कैथेटर वो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए लगाएगा साथ में पी डी सोलूशन जो पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ होगा उसके बारे में बताएगा मॉडलिटी बताएगा कि उसको ए पी डी या सी ऑटोमेटेड वाली पेरिटोनियल डायलिसिस की नीड है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन या दिन वाली डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस की नीड है या रात वाली पेरिटोनियल डायलिसिस की नीड है फिल वॉल्यूम बताएगा कि उसके वेट और आ, वेट के अकॉर्डिंग और टमी के एबडोमन में जो टमी का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि कितना वॉल्यूम हम वन टाइम में जो स्टाफ है वो फिल करेगा उसकी टमी में एबडोमन में नेक्स्ट बताएगा ड्ल्थ टाइम कि कितनी देर के लिए हम फ्लूड को मतलब जो भी पेशेंट है उसके अंदर एक बार फ्लूड चला जाता है एबडोमन में तो कितनी देर उसको रोकेंगे उसके एबडोमन में इसके बाद आते हैं एक्सेस कैथेटर जनरली टू टाइप्स के जो कैथेटर है वो पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होते हैं हार्ड कैथेटर पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर और सॉफ्ट डायलिसिस कैथेटर बट हार्ड हार्ड पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर बहुत ही सस्ता होता है और सॉफ्ट डायलिसिस का पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है लेकिन आज की डेट में ये कैथेटर बहुत ही रेयर यूज होता है जो यूज़ होने वाला कैथेटर है वो है क्या है सॉफ्ट कैथेटर जो कि कॉस्टली होता है मोस्टली डॉक्टर इसी को रिकमेंड करते हैं इस कैथेटर को हम टेंस ऑफ कैथेटर के नाम से भी जानते हैं अगर आपको पता हो फर्स्ट टाइम पेरिटोनियल डायलिसिस एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गेंटर जॉर्ज गेंटर ठीक है फर्स्ट टाइम जॉर्ज गेंटर ने पेरिटोनियल डायलिसिस को परफॉर्म किया था 1923 में इसके बाद 1968 में 1968 में जो हैंनरी टेंकचॉफ थे हैंनरी टेंकचॉफ़ इन्होंने ये पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कैथेटर बनाया था और इन्हीं हैंनरी टैनचॉफ को ही फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के नाम पे इस सॉफ्ट कैथेटर का नाम क्या पड़ गया टेंच ऑफ कैथेटर पड़ गया तो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन सा कैथेटर यूज करते हैं तो लोग टनल कैथेटर लेकिन वहां पे टेंच ऑफ कैथेटर जब दिया होता है तो लोग उसको कट कराते हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा कि कौन सा कैथेटर यूज होता है टेंच ऑफ कैथेटर और ये भी जो कैथेटर है ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है पहला पार्ट क्या है इसका एक्सटर्नल सेगमेंट दूसरा क्या है सबकुटेन ये सेगमेंट एंड थर्ड क्या है इंट्रा एब्डोमिनल सेगमेंट तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहां पर आप ये स्ट्रक्चर देखिए जो जो मैंने थंबनेल पे जब आपने वीडियो ओपन कर रहे होंगे उससे पहले एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के कैथेटर का तो वहां पर क्या है कैथेटर दो पार्ट्स में डिवाइड है तो एक पार्ट जो ऊपर की तरफ है और जो कि पीडी सॉल्यूशन से पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल सेगमेंट मतलब जो पहला वाला पार्ट है ठीक है दूसरा पार्ट क्या है हमारा जो कि यहाँ से जो कि इससे अलग है मतलब ऊपर वाले पार्ट से अलग है और नीचे वाले पार्ट की तरफ जा रहा है एपडोमिनल की तरफ जो टनल की तरफ एपडोमिनल टनल की तरफ जो जा रहा है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं सबकुटेनियस सेगमेंट के नाम से जानते हैं और इस सबकुटेनियस सेगमेंट जो होता है ये क्या रखता है एक से दो कफ रखता है टनल टनल होती है इट हैज़ वन टू कफ टनल थ्रू द एबडोमिनल बॉल तक जाएगी ठीक है द टनल कैथेटर एलोंग विद द एलोंग विद द फिब्रोसिस इन्फ्लुएंसेस बाय द कफ टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन अब क्योंकि ये वाला जो अगर पूरा का पूरा कैथेटर क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है ये कैथेटर मीन्स की एक पार्ट इसका अगर मैं इसका देखती हूँ एक पार्ट इस साइड में और एक पार्ट इस साइड में तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बाद में पेरिटोनियल डायलिसिस होने के बाद बैंडेज वगैरह से कवर हो जाता है एक तरीके से ये पार्ट जो है पेरिटोनियल डायलिसिस में इन्फेक्शन को क्या करता है प्रिवेंट करता है ठीक है नेक्स्ट पार्ट इसका आते हैं हम इंट्रा एबडोमिनल सेगमेंट तो इंट्रा एक्डोमल सेगमेंट की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो कि लास्ट वाला पार्ट है जो कि एबडोमन एक तो पार्ट हो गया जो कि एबडोमन से बाहर की तरफ चल रहा है अब जो पार्ट कैथेटर का एबडोमन में चला गया उस पार्ट में क्या होता है यहाँ पर टिप पे वो बिल्कुल एकदम से मतलब छेद होगा पूरा ऐसे चला जाएगा सामान लेकिन साइड में भी यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं ठीक है ये वाला जो पार्ट है इसका जो एबडोम के एबडोमिन के अंदर होता है पेरिटोरियल कैविटी के उसको हम क्या बोलते हैं इंट्रा एबडोमिनल सेगमेंट और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा एबडोमिनल सेगमेंट पी डी कैथेटर हैज मल्टीपल होल्स इन इट्स साइड विद वन होल इन एंड टिप ओके इंसर्सन प्रोसेस जो होता है जब पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो कैथेटर को इंसर्सन करने के लिए तीन प्रोसेस अपनाते हैं यहाँ पे मैंने केवल दो ही प्रोसेस दिए हैं लेकिन तीन प्रोसेस यूज होते हैं नंबर वन लेप्रोस्कोपी नंबर टू परटेनोस्कोपी एंड नंबर थ्री ओपन सर्जरी अब ये तीनों क्या होती हैं ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी अभी तक वीडियोज़ आए हैं उतने ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और पेरी उसका सॉरी टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है जिससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थैंक यू